बायबेक और लाभांश का विषय है। हमने हाल ही में बायबेक प्रक्रिया पर आपकी तिथि के बारे में एक सर्वे किया है कि क्या आप इसमें रुचि रखते हैं या उदाहरण के लिए आपकी रुचि नहीं है और आप केवल लाभांश में रुचि रखते हैं और क्या आप अपने पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा कंपनी को बेचने के लिए तैयार हैं। मैं आपने द्वारा सुने गए कुछ विचारों को साझा करूंगा। फिर लोगों ने लाभांश का भुगतान न करने और कुछ समय के लिए बायबैक में शामिल न होने बल्कि उद्यम निधि को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव दिया। कई लोगों ने सवाल पूछा कि आप उस पैसे का कुछ हिस्सा बायबैक के लिए क्यों बेच रहे हैं जिसके इस्तेमाल लाभांश के लिए किया जाना चाहिए था, और अगर मैं बेचना नहीं चाहता हूं तो शायद ये मेरा साथ अन्याय है। ये बहुत सही तरीका है। ये स्पष्ट है कि ये केवल वे हैं जो सक्रिय रूप से परियोजना का अनुसरण करते हैं। इसके लिए आप बहुत आभारी हैं। और मैं तुरंत कहना चाहता हूं कि लोगों की राय लगभग 50-50 है। लगभग 52% लोग बायबैक का समर्थन करते हैं, 48% समर्थन न करें, अर्थात वे लाभांश प्राप्त करना चाहते हैं और उन्हें वापस खरीदने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये दो पद है जो हमें प्राप्त हुए हैं और संभवत हम कई और सर्वे करेंगे। मुझे लगता है कि एक अधिक सटीक अधिक व्यापक है। आइए अधिक लोगों को शामिल करें। तदनुसार जुलाई में लाभांश का भुगतान करने का निर्णय जो योजना के अनुसार होना चाहिए संभवत जुलाई के मध्य में या शायद पहले दिनों में किया जाएगा। इसलिए लाइक करके जाए और सब्सक्राइब का बटन दबा दें।